हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू आर वेलकम टू आवर वन मोर अल्ट्रा लेजर वीडियो। एंड आज की वीडियो के अंदर हम जो है एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज कॉस्टिंग ऑफ अ फाइबर लेजर कटिंग मशीन। हम अपनी फाइबर लेजर कटिंग मशीन की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, हमारी फाइबर लेजर कटिंग मशीन जब हम रन करते हैं तो क्या खर्चा आता है, हम कस्टमर को कैसे कॉस्टिंग दे सकते हैं जिनके लिए हम जॉब वर्क करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो जॉब वर्क करते हैं या इन हाउस फैब्रिकेशन भी करते हैं एंड अपनी मशीन की कॉस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, खर्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी मशीन पर घंटा पर डे कितना खर्चा लेती है टू रन द फाइबर लेजर कटिंग मशीन। तो मैं इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं एंड उन पॉइंट्स के बिहाफ पे आप निकाल सकते हैं कि आपकी फाइबर लेजर कटिंग मशीन कितना खर्चा लेती है पर आवर एंड पर डे। सो आई गॉट टू मेनी रिक्वेस्ट फॉर दिस टॉपिक कि आप हमें बताइए कि कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। सो वीडियो इज हियर, लास्ट तक देखिएगा एंड आप भी जान पाएंगे अपनी मशीन फाइबर लेजर कटिंग मशीन की कॉस्टिंग। सो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, कि हमारी जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन है वो कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है पर आवर, एक घंटे के अंदर। हम घंटे के हिसाब से कॉस्टिंग निकालेंगे तो हमारी फाइबर लेजर कटिंग मशीन एक घंटे के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक कंजप्शन करती है एंड ये डिपेंड करता है आपकी लेजर की पावर पे। ओके, तो ये वेरी कर सकता है, लाइक 1 किलोवाट का अलग हो सकता है, 1.5 का 2 का 3 का 4 का 6 का, और जितने भी किलोवाट आपके इंक्रीज होते जाएंगे उसी हिसाब से जो है आपका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन बढ़ता जाएगा, खर्चा भी बढ़ेगा, इनिशियल खर्चा भी बढ़ेगा, आपका कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। बट एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, पावर क्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है, बिकॉज पावर के साथ में सिर्फ एक्सपेंस ही नहीं बढ़ रहा है आपका, आपका जो है प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जितना पावर का लेजर होगा, जितना किलोवाट का लेजर होगा, कहीं ना कहीं कुल मिला के जब आप उसके प्रोडक्शन रेट से उसको आप इक्वल करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कम ही देखने को मिलेगा कंपेयर टू लो पावर मशीन्स। ओके, तो हम जो है एक 1500 वोल्ट को जो है पकड़ के लेके चलते हैं, बिकॉज 1500 वोल्ट इज द वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन मशीन जो आपको 70-80% मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, एक छोटे रिटेलर शॉप पे या एक छोटी मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो हम 1500 वोल्ट को लेके चलते हैं। सो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक कंजप्शन। तो 1500 वाट जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन है हमारी, वो हमारी कम से कम एक घंटे में जो है 6 to 7 यूनिट कंज्यूम करती है, डिपेंड ऑन द मॉडल। लाइक इसमें पावर की मैं बात करूँ, सर्वो मोटर्स की पावर अलग हो सकती है, आपका चिलर की पावर थोड़ा बहुत अलग हो सकती है, ओवरऑल कंपोनेंट, बट 6 to 7 जो है एक एवरेज निकल के आता है कि 6 to 7 जो है यूनिट आपकी मशीन जो है कंज्यूम करने वाली है एक घंटे के अंदर। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज द गैस कंजप्शन। ओके, तो इसमें जो है मैटर करता है, आप अगर आप एयर यूज कर रहे हैं, कंप्रेस एयर यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंप्रेसर की भी ऐड हो जाएगी। एयर के केस में आपका कंप्रेसर 10 एचपी से लेके 20 एचपी का हो सकता है, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका जो कंप्रेसर है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। लाइक जो स्टैंडर्ड कंप्रेसर आता है वो घंटे के अंदर लगभग लगभग जो है 10 यूनिट के आसपास में कंज्यूम करता है, 10 से 12 यूनिट, जो आपका 20 एचपी का कंप्रेसर होता है, अगर बीएफडी ड्रिवन है तो और भी बेटर है। ओके, तो ये ओवरऑल जो है आपका कंप्रेसर के केस में हो जाएगा, वहां पे फिर गैस का कोई खर्चा नहीं। सेकेंड इज ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन कंजप्शन कितना है। लाइक नॉर्मली एक 50 लीटर का सिलेंडर आपको 3.5 से 4 घंटे का जो है बैकअप प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द कटिंग बाय द ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन का खर्चा ले सकते हैं। ये सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है ऑक्सीजन का रेट, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेक कर सकते हैं, लाइक आपका जो 3 घंटे से डिवाइड कर देंगे उसको, जो भी आपका एक ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट होगा। एंड नाउ लेट्स कम ऑन टू द थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज आपके ऑपरेटर एंड जो आपका हेल्पर है उसकी सैलरी। ओके, तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको जो है पर मंथ की सैलरी जो है ऑपरेटर की या हेल्पर की अगर आप यूज कर रहे हैं, आप 2 बंदे यूज कर रहे हैं 2 बंदों की सैलरी, 3 बंदे एक मशीन पे यूज कर रहे हैं 3 बंदों की सैलरी आप एड करेंगे एंड उसको लेट्स से हम एक 8 घंटे की शिफ्ट लेके चलते हैं, तो 8 into 30 कर देंगे तो आपके जो है टोटल जो है आवर्स निकल के आ जाएंगे महीने के, एंड उसको फिर जो है आप सैलरी डिवाइड कर सकते हैं आवर्स के अकॉर्डिंग, तो ये आपका खर्चा हो जाएगा। ओके ओके, तो ये आपका जो है एक और थर्ड पॉइंट हो गया, ये एक्सपेंस और हो गया मशीन के साथ में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कंज्यूमेबल्स, लाइक आपकी मशीन के अंदर जो है नोजल्स भी लगते हैं, प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी लगते हैं, बहुत बार फेलियर्स भी होते हैं, तो आप एक मोटा मोटा एवरेज लेके चल सकते हैं कि लेट्स अज्यूम कि भाई आप महीने के अंदर जो है 3000 रुपीज के जो है
कंज्यूमेबल्स यूज कर रहे हैं, तो आप ये चीज साथ में लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये सब चार पॉइंट मिला के आप जो है एक कॉस्टिंग निकाल सकते हैं अपने एक फाइबर लेजर कटिंग मशीन की। लाइक अगर हमने जैसे कॉस्टिंग निकाली है तो एक रफली जो ऑक्सीजन पे जो हमारी कॉस्टिंग निकल के आती है ऑलमोस्ट जो है आपकी 300 रुपीज टू 350 मैक्सिमम 300 टू 400 रुपीज हम लेके चलते हैं, 300 से 400 रुपए घंटा रनिंग कॉस्ट एक मशीन का निकल के आता है। वहीं पे अगर आप नाइट्रोजन यूज करते हैं अब यहाँ पे बिल्कुल जो है चीजें बदल जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन का एक तो कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। लाइक आपका 50 लीटर का जो सिलेंडर है वो आपका मैक्सिमम आपका आपको हाफ एन आवर का बैकअप देगा मैक्सिमम साइड, तो एक घंटे में दो सिलेंडर आप मान के चल सकते हैं, इवन ज्यादा ही लग जाते हैं, 20 मिनट के अंदर ही ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। अगर आप कुछ हैवी थिकनेस कट करते हैं लाइक 4, 5, 6, 7, 8 mm कट करते हैं तो उसमें जो है नोजल भी आप बड़ा यूज करते हैं तो गैस फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है इन दैट केस। तो आप जो है नाइट्रोजन के केस में जो आपको कॉस्टिंग 3 to 4 times जा सकता है। लाइक जो हमने अपनी मशीन पे कॉस्टिंग निकाला है ड्यूरिंग नाइट्रोजन वो घंटे के अंदर निकल के आता है ऑलमोस्ट 1300 से 1400 रुपए घंटा। तो देखा जाए तो कंपेयर टू ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन का कटिंग है 3 to 4 times ज्यादा है। वहीं पे दैट्स वाई इसीलिए लोग जो है कंप्रेसर का यूज करते हैं कॉस्टिंग बचाने के लिए। जिन लोगों को भी एसएस काटना है एल्युमिनियम काटना है लो थिकनेस कट करनी है तो मतलब जहां पे थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्वालिटी के साथ में, दे गो विद द कंप्रेसर। तो दोस्तों ये चार पॉइंट्स हैं जिनको आप कैलकुलेट करके अपनी एक फाइबर लेजर कटिंग मशीन की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेट करेंगे, आप गैस कंजप्शन को कैलकुलेट करेंगे, आप जो है अपने हेल्पर एंड ऑपरेटर की सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, आप अपने कंज्यूमेबल को कैलकुलेट करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइक आप एक जैसे हम 1500 वॉट की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं, लाइक आप कितने टाइम में अपनी मशीन की ROI कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों एवरेज जो हमने देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये अप एंड डाउन हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज हर किसी पे अप्लाई होगी। लाइक जो हमने वॉच किया है मार्केट के अंदर फाइबर लेजर कटिंग इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप अपनी मशीन को ऑलमोस्ट 8 घंटे रन करते हैं फॉर ऑलमोस्ट 6 months कंटिन्यूअसली तो आप अपनी ROI कंप्लीट कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं इन 6 months to 8 months, मैक्सिमम हम 8 महीने के अंदर चले जाएंगे, 6 to 8 months में आप अपनी ROI कंप्लीट कर सकते हैं इफ यू आर रनिंग योर मशीन 8 hours per day। तो जो भी आपने अपना पैसा लगाया मशीन के अंदर वो आप निकाल सकते हैं। ये अप एंड डाउन हो सकता है, मशीन की प्राइस भी वेरी कर सकती है, आप किस रेट पे कटिंग कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है आपकी ROI के अंदर। तो जितना अच्छा मार्जिन होगा आपका उतना ही जल्दी जो है आप ROI कंप्लीट कर सकते हैं, इट्स अ सिंपल फंडा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली गिव रिप्लाई देयर इन द कमेंट्स। तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। एंड मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, लाइक इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में उसका जो है आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा कि हाउ टू चूज द बेस्ट फाइबर लेजर कटिंग मशीन फॉर यू। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा जो भी बंदे हमारी फाइबर लेजर कटिंग मशीन को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। थैंक यू, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपकमिंग अपडेट्स लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ विवेक चौधरी, हैव अ नाइस डे।